मध्य प्रदेश के शहडोल स्थित बाणसागर बांध के 16 फाटक खुलने से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोन नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 48 घंटे में सोन नदी के जलस्तर में 7 फीट से भी ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। सोन नदी के जलस्तर में बढ़त के चलते इसके तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। सोन नदी में मिलने वाली जनपद की रेणुका, बिजुल और कनहर नदियों के बहाव पर भी असर पड़ा है। सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान यानी कि 171 मीटर से 169 मीटर के करीब पहुंच गया है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यहां 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की जलस्तर से वृद्धि देखी जा रही है, जो लगातार खतरे की ओर बढ़ रही है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए तटवर्ती क्षेत्र के निवासी बेचैन हो उठे हैं और उन्हें किसी खतरे की आशंका बनी हुई है। सोनभद्र के अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह का कहना है कि नदियों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 5 से 6 चौकियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जिससे बाढ़ के हालात बनने पर राहत और राशन की सुविधा मुहैया कराई जा सके। नदियों में बढ़ रहे जलस्तर पर जिला प्रशासन भी निगाह बनाए हुए है। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश के बाणसागर से 1,75,586 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा जा चुका है। जल होने पर तुरंत हम उसको 2, 3, 4, 5 गेट तक, 5 गेट तक हमें कोई परेशानी नहीं होती है। जो भी पानी है वो खेतों में जाता है और कोई प्रकार का कोई गांव में नुकसान नहीं होता है, वो सामान्य रूप से पानी निकल जाता है। अगर उससे ज्यादा गेट खोलने की जरूरत आती है तो पैनिक की स्थिति होती है। अभी स्थिति इससे अधिक की नहीं है, 5 गेट से अधिक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। शरद सोमानी, जनमत न्यूज, सोनभद्र।